भाई दोस्तों मैं बताऊंगा न्यू BSS मॉडल टाटा अल्टोज SE रोमल फ्यूल सप्लाई सिस्टम डीजल है और ऐसे सीरीज सब आल्टियो सब मिलाकर लगभग 8,38,422 रुपये हैं जो 2020 मॉडल BSS है। और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं, बेल बटन से जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। दोस्तों भारत की सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाने वाली SUV टाटा अल्टोज जो काफ़ी शानदार है और ये सामने इसकी शानदार SUV है। सामने पर बात करें तो कि ये टाटा का लोगो मिल जाता है, हेडलैम्प मिल जाता है LED डिया के साथ और इस मॉडल में फॉग लैम्प नहीं मिल पाता और टाटा का लोगो मिल जाता है। गिर काफ़ी शानदार मिल जाती है, दो वाइपर मिल जाते हैं और वाशर मिल जाता है और ऊपर एंटीना मिल जाता है और सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाता है। जो डिस्क ब्रेक की सामने के ऊपर की बात करें तो 165/80R14 मिल जाता है और रियर में भी 165/80R14 मिल जाता है और का आगे तक पावरफुल ज़्यादा रहता है डिस्क ब्रेक। और ये है 1497 cc की और सिलेंडर की संख्या इसमें 4 मिल जाती है और वाल्व प्रति सिलेंडर की संख्या 4 मिल जाती है और 1.5 लीटर टर्बो चार्जर मिल जाता है, ये डीजल में है। और अधिकतम पावर इसमें 89 BHP और 4000 RPM मिल जाती है और अधिकतम ताकत इसमें 200 Nm और 1550 RPM मिल जाती है। माइलेज इसमें 25 से 25.5 किलोमीटर प्रति एयरवे दे सकती है और ये 5 गियर की है और BSS मॉडल टर्बो चार्जर मिल जाता है, सुपर चार्जर भी मिल जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 3990 mm मिल जाती है और चौड़ाई इसमें 1755 mm मिल जाती है। हाई बेस इसमें 1523 mm मिल जाता है, व्हील बेस इसमें 2501 mm मिल जाता है, ग्राउंड कंडीशन इसमें 165 mm मिल जाता है और 5 दरवाजे की है ये और 5 सीटर की है और पीछे साइड पार्किंग सेंसर मिल जाता है, बूट स्पेस मिल जाता है 345 लीटर और फ्यूल सप्लाई सिस्टम इसमें आप 37 लीटर फ्यूल भर सकते हैं। और इसमें पीछे साइड वाइपर मिल जा नहीं मिल पाता, वाशर बस मिल जाता है। और अंदर साइड बात करें तो टाटा का लोगो मिल जाता है, पावर स्टेयरिंग मिल जाती है और हेडलैम्प के लिए मिल जाता है और वाइपर के लिए मिल जाता है, वाशर के लिए मिल जाता है और सामने लाइट मिल जा डैशबोर्ड काफ़ी शानदार मिल जाता है और म्यूजिक सिस्टम के लिए मिल जाता है, AC सिस्टम मिल जाता है और 12 वोल्ट चार्जर मिल जाता है जिसमें आप USB इनपुट करवा सकते हैं और ग्लास अप डाउन करने के लिए मिल जाता है और थोड़ी और स्पेस मिल जाती है। वह 1 लीटर वाटर होल्डर मिल जाता है, थोड़ी हल्का ड्राफिक काफ़ी शानदार मिल जाती है, ड्राइवर एयरबैग मिल जाता है, पैसेंजर एयरबैग मिल जाता है और गियर बॉक्स के पास हैंड ब्रेक मिल जाता है, सीट बेल्ट मिल जाता है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है और काफ़ी शानदार और थोड़ी स्पेस मिल जाती है। ऊपर साइड लाइट के लिए मिल जाता है, इसमें सनरूफ नहीं मिल पाता, मूनरूफ भी नहीं मिल पाता और काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल भी है ये टाटा अल्टोज। और पीछे साइड बात है तो टाटा का लोगो मिल जाता है, अल्टोज की बेजी मिल जाती है और SE रोमन की बेजी मिल जाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।